तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के कंडीशंस, और इस कंडीशंस को हम एक फॉर्म, सीट फॉर्म, सीट पे बना हुआ फॉर्म पे डिजाइन करेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्म लिए ताकि आपको समझ में सही तरीके से आए। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे पास एक फॉर्म है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे बटन क्लिक करें, इस पे जो भी फिल करे क्लिक करे तो डेटा पे एक के नीचे एक ऐड हो, साथ में एक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो, एक डेट, किस डेट को फॉर्म फिल की गई है, किस टाइम को फॉर्म फिल की गई है और उसका डेटा आया। सबसे पहले ये करना चाहता हूँ, फिर इसमें हमें कुछ कंडीशन लगाना चाहेंगे। तो डेवलपर में विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स और एक माइक्रो बनाते हैं जैसे कि सब सेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो सबसे पहले हमें आईडी जनरेट करना है डेटाबेस। तो यहाँ पे हम कैसे आईडी जनरेट करें, नॉर्मल रिकॉर्डिंग परमिशन दीजिए। तो मैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं और इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ इसकी मैक्सिमम निकल जाती है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें हम प्लस वन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आई डी वन होगा तो यहाँ पे मैक्स वन होगा तो अगली आई डी हो जाएगी वन प्लस वन इक्वल टू टू। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्लास पहले, तो इसकी कोड हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम गिम आई डी एज ए आई डी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे आई डी इक्वल टू एप्लीकेशन, क्योंकि मैक्स डायरेक्ट सपोर्ट करता नहीं है इसलिए हम इसको वर्कशीट फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाता है मैक्स, मैक्स में हम देते हैं शीट्स, कौन सा शीट्स, तो डेटा, डेटा शीट का कौन सा रेंज, रेंज कॉलन, पूरा एक कॉलन एफ का दे देते हैं जैसे कि नॉर्मल एक्सेल में देते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ क्या करना है, डेटा शीट पे जाना है, सबसे नीचे ऐड करना है। तो कैसे सबसे नीचे जाएंगे, तो हम ए 65,000 रो पे जाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर एक रो नीचे आके यहाँ पे आई डी डाल, तो इसमें हम कैसे करेंगे चलिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम देते हैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेंस आप डॉट ऑफसेट 1,0। तो ये क्या कर देगा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए आई डी इक्वल टू आई डी प्लस वन, और यहाँ पे शीट्स लगा देता हूँ, शीट्स डेटा। अब इसी को लेते हैं और ये क्या है, ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन पहले कर चुका हूं। तो डेटा में ए हमारा जीरो हो जाएगा और यहाँ वन, मतलब कि अगली कॉलम में जाना है हमें, और आईडी की जगह पे हो जाएगा हमारा डेट, और फिर यहाँ पे हम टाइम को लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और इसका पेस्ट करते हैं टाइम के लिए। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेल में टाइम का फॉर्मूला नहीं है, है तो डेट है, नहीं तो नाउ है जो कि डेट एंड टाइम दोनों देता है। तो यहां पे हम देते हैं कि फॉर्मेट नाउ, जैसे कि एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, और यहां पे हम डी डी यहां पे एच 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 स्लैश एम एम स्लैश एस एस और फिर इसको दे देते हैं। फिर यहां पे इसको वापस कॉपी करता हूं मैं, अब यहाँ पे टू था, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और थ्री में हमें अब चाहिए नेम जो कि हमारे शीट के फॉर्म पे बी टू है, बी टू बी फाइव एंड बी एन। तो यहाँ पे हम देते हैं रेंज बी टू डॉट वैल्यू। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि मैंने एक तरफ तो शीट्स का रेंज दिया हुआ है, दूसरे तरफ शीट्स का रेंज नहीं दिया हुआ है,
मैंने पहले ही बताया था कि दूसरे जो हमारे जो माइक्रो है सेंड है कब रन होगा, जब हमारा सीट के बटन पे क्लिक होगा, क्लिक करने के लिए सीट को एक्टिवेट करना ही होगा। तो जो सीट एक्टिवेट है जो बता है तो उसका नाम सीट नेम देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ इक्वल टू B5 करेंगे तो इसी सीट सेल का B5 लेगा ना, हमें दूसरे सीट का लेना होगा तभी ना हम सीट डेटा सीट का रेफरेंस देंगे और डेटा और B5 का देंगे। सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है और यहाँ पे आपका B8 और ये सीक्वेंस को भी हम चेंज करते हैं तो 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 5 और लास्ट में हम मैसेज देंगे MSG बॉक्स यहाँ पे योर डेटा सेट, इसे कंफर्म होगा। अब चलिए इसको एक बार अप्लाई करते हैं। इसके लिए क्लियर तो किया नहीं हमने ना, यहाँ पे रेंज B2, B5, B8 डॉट क्लियर कंटेंट्स। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेवलपर टैब में जाते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, यहां से बटन लेते हैं, बटन को ड्रैग करते हैं। जैसे बटन ड्रैग करेंगे यहां से मुझसे पूछेगा माइक्रो असाइन, हमने सेंड पे क्लिक कर दिया और यहां हम कर देते हैं सेट। अब जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि पूजा रोल नंबर 1 और मार्क्स हम यहाँ पे दे देते हैं 65, जैसे बटन पे क्लिक करेंगे डेटा है सेव और आप जाके देखिए कि आपका डेटा सीक्वेंस में अरेंज हो गया। अब दूसरा डेटा मैं यहाँ करता हूँ नीरज रोल नंबर 2 और मार्क्स में हम देते हैं 65 और सेंड करते हैं ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया। इतना तक तो हम लास्ट कुछ क्लास पहले हम समझ चुके थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा और सेंड पे क्लिक कर दिया ओके कर दिया तो डेटा में देखिए इतना आईडी जनरेट टाइप हो जा रहा है। सबसे पहले कि अगर कोई भी फील्ड ब्लैंक हो तो सेंड बटन काम ना करे तो यहां हमें इसका कोड देना पड़ेगा कंडीशन। यहाँ पे जैसे हमने इफ पढ़ा था कि इफ रेंज B5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0 और क्योंकि तो 3 कंडीशन है रेंज B2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0 then आपको वापस और देना होगा और 3 है ना हमारे पास रेंज B8 डॉट वैल्यू इक्वल टू 0 then मैसेज होगा MSG बॉक्स यहां देगा कि प्लीज फिल ऑल डिटेल्स और फिर यहाँ पे एग्जिट सब। एग्जिट सब करना जरूरी है नहीं तो क्यों नीचे का एक कॉमा चलेगा। एग्जिट सब करने से क्या हो गया कि अब वो नीचे के नहीं होगा, यहीं पे आके माइक्रो को फिनिश कर दे। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं और फिर प्लीज फिल और डिटेल्स मैसेज दिया और हमें डेटा फिल करने वाला कोड जो है रन नहीं करने दिया। दोबारा दिखाता हूँ आपको, क्लिक किया कंडीशन दे रही है, अब इस पे नीचे डेटा फेल नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को, किसी को डाउट? नहीं सर। चलिए अब इसमें और कंडीशन ऐड करते हैं। ये तो ये कंडीशन, अब मान लीजिए और कंडीशन ऐड करना है कि मैं चाहता हूं कि जो हमारा यहाँ मार्क्स है वो मार्क्स ग्रेटर देन 100 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसके नीचे एक और कंडीशन दे दीजिए कि इफ मार्क्स मतलब कि रेंज
v at dot value is greater than 100, then matches the msg box. Yahan dekhi ensure marks will less than 100. और फिर तो यहाँ पे हमने इनवर्टेड कॉमा नहीं लिया है. और फिर यहाँ पे एग्जिट एग्जिट शब्द ना जरूरी है, ध्यान रखिएगा. और यहाँ पे अब जैसे कि मैं यहाँ पे फिल्टर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पूजा डाल दिया, यहाँ पे रोल नंबर 3 डाल दिया, और यहाँ पे मार्क्स में मैं 155 डाल देता हूँ, तो यही पे आपको मैसेज दे देता है. ठीक है, अगर हम इसके लिए नंबर कम डालते हैं तो फिर 55 डाला तो यहाँ पे 55 को फिल कर दिया, मिलता है डेटा सेट. हम देखिए डेटा सेट. अब जैसे कि डुप्लीकेसी रोकना है, मैं चाहता हूँ कि अगर पूजा नाम एग्जिस्ट करता है, हालांकि नेम पे नहीं करते हम, हमको किसी यूनिक आईडी रोल नंबर वगैरह पे करते हैं, फिर भी यहाँ पे अगर हम पूजा नेम लेके चलते हैं, डुप्लीकेसी रोकना है. हम चाहते हैं कि पूजा अगर एग्जिस्ट है तो एंट्री ना करे. तो पूजा एग्जिस्ट है पता कैसे चलेगा? तो ऐसे वीलुकअप है, मैच है, क्योंकि वीलुकअप मैच में एरर आता है, तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं. काउंट इफ इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने बोला रेंज पूजा, अगर होगा तो नंबर 1, 2, 3 होगा, अगर नहीं होगा तो 0 होगा, एरर नहीं आएगा. तो सेम चीज हम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं ऊपर, एक डिम सी एज ए लॉन्ग या इंटीजर कर लीजिए, इंटीजर. यहाँ पे सी इक्वल टू एप्लीकेशन काउंट इफ भी डायरेक्ट डीबीए को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन से जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं काउंट इफ. काउंट इफ में मैं लेता हूं सी रेंज देता हूं कि शीट्स, कौन सा शीट्स, तो डेटा रेंज, कौन सा रेंज, तो डेटा रेंज में नाम क्या है, ए पे आपका हो गया आईडी, बी पे डेट, सी पे टाइम एंड डी पे नेम, तो डी बाय डी डी. और क्या ढूंढना है, तो ढूंढना है मुझे रेंज बी टू डॉट वैल्यू. अब कंडीशन होगा कि इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन मैसेज हो एम एस जी बॉक्स योर नेम Not be duplicate. और यहाँ पे exit function. Exit sub. हाँ. बोलिए. जी सर, ये range B2 से पहले आप sheet का नाम नहीं दोगे? आपको ये चीज समझाया मैंने आपको. क्या समझाया? कि जब ये program run होगा तो इसके form ही activate होगा. इसके आगे सीट देने की जरूरत है. जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे B5 तो डायरेक्ट लिखोगे ना, ठीक है. अब इसमें एक आता है कि जैसे हम मान लीजिए डेटा रखे हुए क्लिक करें, जैसे हम लोग फाइल ही बंद करते हैं, तो हमसे कंफर्मेशन पूछता है ना कि डू वांट टू सेव, क्या इस तरह से कंफर्मेशन पूछिए, उसके बाद डेटा को गलती से सेंड पे क्लिक हो गया, गलत एंट्री हो जाए तो पहले कंफर्मेशन पूछे. तो यहाँ पे हमें लेना होगा एक वेरिएबल लेना होगा इंटीजर, इडिम सी नहीं एम, एम एज ए इंटीजर. और यहाँ पे हम करते हैं एम इक्वल टू एम एस जी बॉक्स. अब यहाँ पे ब्रैकेट देंगे प्रॉम्प्ट में, डू यू
वन टू वन टू सेव डेटा, इसके बाद यहां बटन्स, तो बटन्स में यस और नो ले लेता हूं, नीचे आपको यस एंड नो है, यस एंड और टाइटल प्लीज कन्फर्म, राइट। अब यहां पे हम देंगे कि इफ m इज इक्वल टू dv यस, दैट मैं dv यस से dv नो कर देता हूं ना, dv नो दैन एग्जिट सब और एंड। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा, मान लीजिए पूजा रोल नंबर 3 मार्क्स में, तो देखिए यहाँ पे नेम नॉट बी डुप्लीकेट, हम यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे करूंगा, मुझसे पूछ रहा है कंप्लीट कन्फर्म यू वांट टू सेव द डेटा, अब मैंने तो प्लान है यू वांट टू सेव डेटा, यस पे क्लिक कीजिएगा तो सेव करेगा, नो पे क्लिक कीजिएगा तो सेव नहीं करेगा। ये हमारी इसी तरह से हम फॉर्म पे इसकी एंट्री करते हैं, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ये सुजी सर, जैसे आपने फर्स्ट टाइम पूजा लिखा पिता शर्मा लिखा, तो क्या वो दोनों के लिए पूछेगा उसे? इसके लिए मतलब जैसे आपने फर्स्ट टाइम हमने पूजा के नाम से इसमें कंडीशन लगती है, उसके लिए पूछेगा ना सर? नहीं नहीं, पूजा शर्मा लिखा ना आपने, हाँ, लेकिन हाँ तो सिंपल सी बात है ना सर, पूजा पहले से है ना, पूजा शर्मा और पूजा स्टूडेंट है, एग्जैक्ट मैच होता है ना सर, ठीक है। एग्जैक्ट मैच नहीं करानी है तो उसके लिए दूसरा तरीका है, तो हम आगे सीखेंगे, फिलहाल आप इतना ही सीखिए। तो फिलहाल आपको क्या करना है, जैसा फॉर्म मैंने बनाया है, फॉर्म आपको मैं अभी मेल कर देता हूं, तो मुझे आप इसी तरह का एक फॉर्म, लेकिन ऑफिशियल फॉर्म, पिछली बार की तरह ऐसा ही दो तीन कॉलम बना के ना दे दीजिए, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म हो गया, या फीडबैक फॉर्म हो गया, या फिर फ्रेंड ज्वाइनिंग फॉर्म हो गया, इस तरह के फॉर्म बना के आप मुझे दीजिए। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जब क्लास लेने के लिए बैठे तो माहौल को शांत कर ले, ये फाइल आप लोगों को मैं मेल कर देता हूं, आप लोग मुझे बना के भेजिए ऐसा ही बिल्कुल। तो क्या मैं आप लोगों से आशा रख सकता हूं कि आप लोग बना के देंगे मुझे? जी सर, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, तो मैं फाइल मेल कर देता हूँ, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम, कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा डाउट है सर, बीबीए मेरे लिए सारी चीज नहीं है, तो बेसिकली ये डीम डायमेंशन इंटीगर वगैरह ये जो सब्जेक्ट हम लोग वर्ड यूज करते, कहाँ का कितने वर्ड्स यूज करते, इसका पूरा डिटेल कैसे मिल पाएगा? जब इसकी एज अ डेमो आपने ज्वाइन किया है ना, जब आप स्टार्टिंग से जानेंगे तो इसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है, वही वही क्लियरिटी थी, क्योंकि प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत तो काफी कुछ क्लियरिटी होगी कि एक्सेल में तो है काफी कुछ कमांड वगैरह, पर वो अपन यूज करते हैं इसके लिए जो वर्डिंग डॉप्स, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ पे स्पेल होनी, एरर होनी है, कौन से सब्जेक्ट्स यूज करने हैं, ये थोड़ा सा जो स्टार्टिंग से हो जाएगा तो बहुत काम आएगा हमारे लिए। हाँ, तो शुरुआत में करेंगे तो हम इसी से करेंगे ना सर, ऐसे फॉर्मूला पढ़ाने लगे। हाँ जी जी बिल्कुल, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, ओके, बाय, गुड नाइट।